Exercise 12.3, question 8, part 1. If z is equal to 10, find the value of z cube minus 3 into z minus 10. Power agar 3 ho, to usko hum cube bolte hain, z cube. To z ki jagah hum 10 put kar denge. 10 cube minus 3 multiply. 3 aur bracket ke beech mein kuch bhi nahi hai, to hum multiply laga sakte hain. In place of z, write 10 minus 10 bracket close. 10 cube means 10 into 10 into 10 minus 3. Multiply 10 minus 10, 0. 10 into 10 into 10, 1000. 0 into 3, 0. 1000 minus 0, 1000. Second part, if p is equal to minus 10, find the value of p square minus 2p minus 100. P square, in place of it, we will write minus 10 whole square. Minus 2p means minus 2 multiply p. In place of p, write minus 10. Minus 100. Minus 10 square means minus 10 multiply minus 10. Minus 2 ko multiply karenge minus 10 se minus minus plus 10 to the 20 and minus 100. Minus 10 ko minus 10 se multiply karenge plus 100 plus 20 minus 100. Plus 100 minus 100 cancel each other, remainder 20. 20 is the answer. Ninth, 2x square plus x minus a equal to 5. Put x is equal to 0. 2 multiply x square is 0 square plus x ki jagah 0 minus a equal to 5. Is question mein humko a ki value find karni hai agar x equal to 0 ho to. To jahan bhi x hai wahan humne 0 put kar diya. 0 square 0 hota hai, 0 to the bhi 0 hota hai aur plus 0 minus a equal to 5. 0 plus 0, 0 होता है और 0 में हम कोई भी नंबर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वही नंबर आता है, तो माइनस a का माइनस a इक्वल टू 5. अब हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है. a की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? जब ये आगे से माइनस हटे, तो माइनस कैसे हट सकता है? जब हम डिवाइडिंग बाय माइनस 1 करेंगे. माइनस a को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और इसको माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स. माइनस ए डिवाइड बाई माइनस वन इक्वल टू फाइव डिवाइड बाई माइनस वन. माइनस माइनस प्लस ए बच गया, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस फाइव. क्वेश्चन नंबर 10. सिंप्लीफाई 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 3 माइनस ए बी. पहले तो सिंप्लीफाई करना है एंड आफ्टर दैट फाइंड द वैल्यू इफ ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू माइनस 3. तो 2 को ए स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ए स्क्वेयर, 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 ए बी प्लस 3 और माइनस ए बी. 2 ए स्क्वेयर का 2 ए स्क्वेयर प्लस 2 ए बी और ये माइनस ए बी 2 ए बी के नीचे लिख देंगे प्लस 3. ये दोनों लाइक टर्म है. 2 ए स्क्वेयर 2 प्लस 2 ए बी और यहाँ माइनस 1 लिख सकते हैं माइनस 1 ए बी. 2 और 1 को माइनस करेंगे प्लस 1 ए बी, साइन बड़े नंबर के आगे वाला और ये प्लस 3. अब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ a इज इक्वल टू 5 हो और b इक्वल टू माइनस 3 हो. 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर, ए की जगह आ जाएगा 5 स्क्वेयर प्लस a इंटू बी. 5 मल्टीप्लाई माइनस 3 प्लस 3. 2 मल्टीप्लाई 5 स्क्वेयर की जगह लिखेंगे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 और ये हो गया प्लस 3. 2 5 जो 10, 10 5 जो 50, माइनस 15 प्लस 3. प्लस 50 और प्लस 3 हो जाएगा 53 और ये माइनस 15. 53 और माइनस 15 दोनों को माइनस करेंगे 38. साइन बड़े नंबर के आगे वाला, बड़ा नंबर 53 है उसके आगे प्लस है. आंसर प्लस 38.